Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay, students, in the previous lecture we have discussed total 10 question answer. Now in today's lecture we will discuss the remaining question answer. So let's start that question answer. Okay, students, now let us start question number 11. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? Mane pure lesson mein hame aisa kaun sa sentence padhne se pata chalta hai कि जो विजिटर माने जो ऑथर थे जो उन्होंने अपने खुद की पहचान नहीं छुपाई. ओके, लेट्स स्टार्ट द आंसर. द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग. तो लेसन में सेंटेंस जिससे उन्होंने उनकी पहचान नहीं छपाई थी खुद की, तो ये सेंटेंस से पता चलता है कि वो समझाते हैं आई एक्सप्लेन अबाउट द डेज. वो उन्होंने कॉनी मैकपर्सन को समझाया कि कहाँ से मैंने डेज, उन्होंने डेज के बारे में समझाया कहाँ से उसको वो डेज का उनको पता चला कहाँ से लिया. पर बाद में वो बताते कि मैं जो खुद ही बता रहा था वो सुन नहीं रही थी, मैंने कॉनी मैकपर्सन इस बात को सुन नहीं रहे थे. ओके ना स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डेस्क वो बेचा गया था और कब बेचा गया था? ना लेट्स स्टार्ट द आंसर. द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कॉनी मैकपर्सन लिव्ड हैड कॉट फायर. माने मतलब जब कॉनी मैकपर्सन जो उनके मकान में रह रहे थे वहाँ जब आग लग गई तब ये डेस्क बेचा गया था. सी वॉज टेकन टू ए नर्सिंग होम और उस वक्त जब उनके मकान में आग लग गई तब उनको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ पे ले गए थे. ऑल द बर्न अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय द नेबर्स आफ्टर डेथ. और उनके मकान में जो जली हुई चीज़ें थी उसको बाद में उनके पड़ोसियों के द्वारा बेचा गया था. नंबर 13. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways for resolving conflict? Do you agree? आपको ऐसा क्यों लगता है कि Jim और Hans वो तो ऐसा सोचते थे कि games और sports है जिससे जो संघर्ष होता है, युद्ध होता है, झगड़े होते हैं, उसको सॉल्व करने का games और sports एक अच्छा तरीका है. क्या आप इस बात से एग्री हो? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आंसर. जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज. जिम और हैंस उन्होंने गेम और स्पोर्ट्स युद्ध और संघर्ष को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा रास्ता है ये उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मैच में ना किसी की मौत होती है, ना किसी के बच्चे अनाथ होते हैं, ना किसी की पत्नियां विधवा होती है. ड्यू टू दिस रीज़न गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट. इसी रीज़न कारण की वजह से गेम्स और स्पोर्ट्स है वो झगड़ा युद्ध सॉल्व करने का अच्छा रास्ता है. वॉर्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवेस्टेशन. युद्ध से सिर्फ मौत और विनाश होता है. क्वेश्चन नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. इसका मतलब होता है क्या आपको स्टूडेंट्स लगता है कि जो ब्रिटिश आर्मी और जो जर्मन आर्मी थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे कि दोनों में काफ़ी भेदभाव थे? ये कहानी के लिए आपका कहानी में से प्रूफ ढूंढ के आपके आंसर बताइए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर. बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर. मानी दोनों आर्मीज के सोल्जर ने
एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक जैसे थे। बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, दोनों सेनाओं ने साथ में मिलके क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था। दे सेड ईच अदर्स फूड, ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दोनों सेनाओं, जर्मन सेनाओं ने और ब्रिटिश सेनाओं ने, एक दूसरे के जो खाना था वो शेयर किया। सब ने साथ में मिलके स्मोक किया, हंसी मजाक किया, बातें की, ड्रिंक किया, खाना खाया। दे इवन टॉक अबाउट द बुक्स दे लाइक। दोनों सेनाओं के जो हेड थे, कैप्टन थे, उनको जो किताबें पसंद थी उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, दोनों के जो ख्याल थे, व्यूज थे, उसके दोनों एग्री थे। दे ऑल्सो प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड क्लैप हैंड्स एंड स्टैम्प फीट। दोनों सेनाओं के बीच में फुटबॉल का मैच खेला गया, जिसमें हैंड्स जो जर्मन आर्मी के जो हेड थे और जिम जो ब्रिटिश आर्मी के हेड थे, उन्होंने चीयर अप किया, खुशी किया, हंसी मजाक किया, तालियां बजाए और अपने पाँव से उन्होंने जंप भी किया जमीन पे। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, उन्होंने जो क्रिश्चन में रात को जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर भी उन्होंने एक्सचेंज की। मोर ओवर दे हैड द सेम व्यू दैट वॉर्स ओनली ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड दे होप दैट ईच वुड बी अलाइव टू सेव फैमिली। और दोनों के जो सोच है वो भी काफ़ी मिलते जुलते थे। दोनों वो बता रहे थे कि वॉर सिर्फ जो युद्ध होता है वो सिर्फ मौत और विनाश होता है उससे। और दोनों ये सोचते थे दोनों आपस में से कि हम जरूर दोबारा अपने फैमिली को दोबारा मिलेंगे। ऑल दिस इंस्टेंसेस सो दैट द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर सिमिलर टू ईच अदर। ये जितने इंस्टेंसेस मैंने एग्जांपल दिए गए हैं और घटनाएं हैं वो ये बताता है कि जर्मन आर्मीज एज वेल एज ब्रिटिश आर्मीज जो दोनों हैं वो एक दूसरे के बहुत मिलते जुलते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स एंड जर्मन सोल्जर्स ऐसे अलग अलग वो दोस्त थे, दोस्त बन गए, वो कैसे कह सकते हैं, ऐसी क्या कॉमन चीज थी क्रिसमस में उन्होंने मनाया वो ऑन दैट डे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद आंसर। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, मैंने ब्रिटिश की सेना ने और जर्मन की सेना ने साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दे एंजॉयड ईच अदर्स फूड, साथ में मिलके फूड को शेयर किया एक दूसरे के। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दोनों सेनाओं के जो सोल्जर्स थे उन्होंने साथ में मिलकर स्मोक किया, हंसी मजाक किया, बातें की काफ़ी सारी, ड्रिंक लिया और खाना भी खाया। हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन सेड द केक कॉनी हैड बेक। हैंस वोल्फ जो जर्मन सेना के हेड थे और जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश सेना के कैप्टन थे, दोनों ने मिलके जो जिम मैकफर्सन की वाइफ थी कॉनी मैकफर्सन, उनके हाथों से बनी हुई केक भी जिम मैकफर्सन ने हैंस वॉल्फ को दी, शेयर की। दे टॉक अबाउट बच्चेबा, गैब्रियल, ओ सर्जन ट्रॉय एंड डोरसेट। उन्होंने मिलके ये जो शहर जो थे इंग्लैंड के उसके बारे में काफ़ी चर्चा की, डिस्कस किया। दे इवन टॉक अबाउट द बुक्स दे लाइक, दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। वो दोनों के ख्याल बहुत मिलते जुलते थे, उन्होंने उनको जो किताबें पसंद थी उसका भी डिस्कशन किया। बोथ द ट्रूप्स प्लेड ए गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्ड क्लैप हैंड्स एंड स्टैम्प फीट। मैंने दोनों सेनाओं ने मिलकर फुटबॉल की मैच खेली। हैंड्स और जिम दोनों सेनाओं के जो हेड थे, कैप्टन थे, उन्होंने मिलकर उसको चीयर अप किया, तालियां बजाए और खड़े होकर जंप भी किया। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, रात में उन्होंने क्रिसमस का जो प्रेयर होता है वो भी गाया। इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टूगेदर फाइंडिंग ए लॉट इन कॉमन बिटवीन देम। और इस तरह उन्होंने साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया और ये कॉमन बात थी उन लोगों में। डेटा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16।
वॉट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कॉनी मैकफर्सन थी, उनके लिए प्रेजेंट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या है, और वो उनकी जो भी थी उनकी जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट वो उनके लिए क्यों क्रिसमस की बेस्ट प्रेजेंट है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। व्हेन द नैरेटर केम टू सी कॉनी एंड गेव हर द बॉक्स, सी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम। जब हमारे कहानी के जो लेखक है राइटर, जब वो कॉनी मैकफर्सन को मिलने गए और उनको वो बॉक्स दिया जो उनको सीक्रेट बॉक्स से मिला था, तो जिम मैकफर्सन की जो वाइफ थी कॉनी मैकफर्सन, उन्होंने उनको मानी ऑथर को उनका हस्बैंड जिम समझ लिया गलती से। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस, उन्होंने ऐसा समझ लिया कि जिम क्रिसमस मनाने के लिए घर पे आया है। दिस वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, और यही कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट था। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटर्न इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस। ये जो था ये कॉनी के लिए क्यों सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस प्रेजेंट बन गया था, क्योंकि जिम ने खत में लिखा था कि वो क्रिसमस के त्यौहार के दिन वो जरूर उनको मिलने के लिए घर पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन, शी हैड रेड दैट लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे टू फील दैट ही वॉज नियर हर। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विथ हर, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। उन्होंने वो कॉनी मैकफर्सन वो खत दिन में काफ़ी बार पढ़ती थी ताकि वो उनके हस्बैंड के जो प्रेजेंस है उनकी प्रेजेंस वो महसूस कर पाए। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विथ हर शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब जबकि वो आखिर में उनके साथ थे इसलिए वो बहुत ही खुश थे। ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स। माने बट ये क्वेश्चन का मतलब है कि आपको लगता है कि जो स्टोरी कहानी का जो टाइटल है वो सूटेबल सही है क्या, आप ये कहानी के लिए दूसरा टाइटल या शीर्षक गेस कर सकते हो बता सकते हो। ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट द आंसर। यस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट, हाँ ये कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सूट करता है कहानी को, बिल्कुल बराबर है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी। ये कहानी ये पूरी कहानी में जो क्रिसमस का जो इम्पोर्टेंस है जो उसकी महिमा है वो पूरा बताया गया है। इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे इन द मिडल ऑफ ए रेजिंग वॉर द टू वॉरिंग ट्रूप्स मेड पीस। क्रिसमस के दिन ही वॉर के बराबर मिडल में बीच में ही दोनों सेना के जो हेड थे जो सैनिक थे उन्होंने शांति बनाए रखी थी, युद्ध नहीं किया था। द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स सेड विथ ईच अदर वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। और जो शांति के पल वो सैनिकों ने जो बिताए थे क्रिसमस के दिन, यही उनके लिए क्रिसमस की बहुत ही बड़ी गिफ्ट थी, प्रेजेंट था। अगेन इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे दैट द नैरेटर वेंट टू सी मिसिस मैकफर्सन। और दोबारा क्रिसमस के दिन जो हमारे कहानी के लेखक है वो मिसिस मैकफर्सन को मिलने के लिए गए थे। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर। हमारे ऑथर जो थे वो कॉनी मैकफर्सन को उनके हस्बैंड जिम मैकफर्सन का खत पहुंचाने के लिए पहुंचे थे। द लेटर वॉज प्रीशियस टू हर बट इवन मोर प्रीशियस वॉज हर डिल्यूजन दैट द नैरेटर वॉज हर हस्बैंड जिम हु शी बिलीव्ड हैड रिटर्न एज प्रॉमिस ऑन ए क्रिसमस डे। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। जब कहानी के लेखक उनको मिलने जाते हैं तो वो जो खत उनको देते हैं वो खत उनके लिए जितना उनके लिए प्रीशियस कीमती था उनसे ज़्यादा कीमती तो वो जो लेखक को जो वहाँ उनसे मिलने गए थे और खत पहुँचाने गए थे
उनको उनका हस्बैंड जिम मैकफर्सन समझ बैठती है, कॉनी मैकफर्सन। और क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस के दिन उनको मिल जाएंगे, घर पे आएंगे, और यही उनके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिसमस की प्रेजेंट थी। ओके स्टूडेंट्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर इज ओवर। थैंक यू।